हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम। एग्जाम फोरम के आज वीडियो में हम 8 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आज के इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा वीडियो पिछले दो दिन से नहीं आ पा रहा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि जो हमारा कंप्यूटर था फिर से ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि डेली मॉर्निंग में आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिले। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए लाइफलाइन उड़ान पहल को लॉन्च किया है? तो हाल ही में कोरोना वायरस से निपटने के लिए लाइफलाइन उड़ान पहल को लॉन्च किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम जान लेते हैं कि लाइफलाइन उड़ान पहल क्या है। तो इस पहल के तहत लॉकडाउन के दौरान नागरिक उड्डयन मंत्रालय हवाई जहाज से भारत के दूर दराज इलाकों में चिकित्सा सामग्री तथा राहत सामग्री को पहुंचाएगा। वर्तमान में भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। अब हम जान लेते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन जो कि कोरोना वायरस से रिलेटेड हैं। जैसे हाल ही में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी फ्रेश स्टार्ट स्कीम को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कोरोना वायरस से रिलेटेड जो कंपनियां काम कर रही हैं उनकी टैक्स अदायगी में राहत देना, छूट देना। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान भारत के विभिन्न जो हिस्सों में विदेशी नागरिक फंसे हुए हैं उनकी सहायता के लिए पर्यटन मंत्रालय ने स्ट्रैंडेड इन इंडिया नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कोविड-19 से जुड़ी हर नवीनतम जानकारी को साझा करने के लिए एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया है #IndiaFightCorona के नाम से। #IndiaFightCorona के नाम से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा एक ट्विटर हैंडल लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कोरोना वायरस से रिलेटेड हर फेक न्यूज को चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो और सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट नाम की वेबसाइट लॉन्च की गई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ही द्वारा कोविड-19 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट के लिए covid19india.org नाम की वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। IIT बॉम्बे के द्वारा क्वारंटाइन नाम का एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाया गया है, जिसका उद्देश्य अधिकारियों द्वारा संक्रमित लोगों पर नज़र बनाए रखना। इसके अलावा झारखंड राज्य में लॉकडाउन के दौरान कोरोना वायरस से रिलेटेड जो आवश्यक सेवाओं के प्रदाता जो वितरण करता है, साथ ही साथ जो हेल्थ केयर्स हैं उनके बाहर निकलने के लिए एक ई पास जारी करने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रयागम मोबाइल एप्लीकेशन। इसी प्रकार से कर्नाटक राज्य ने कोरोना वायरस से रिलेटेड जो संक्रमित व्यक्ति हैं उनके मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए, साथ ही साथ राज्य में कोरोना वायरस से रिलेटेड जागरूकता को फैलाने के लिए कोरोना वॉच नाम का मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा राज्य में संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन नाम की एक पहल शुरू की गई है। इसी प्रकार से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने कोविड-19 से जुड़ी हर शिकायत पर निगरानी के लिए राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड नाम की एक वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। कोरोना वायरस के बारे में संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कोरोना स्टडीज पुस्तक श्रृंखला को शुरू किया गया है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। इसके अलावा नेशनल बुक ट्रस्ट ने लॉकडाउन के दौरान घर पर लोगों को पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए एक कैंपेन शुरू किया गया है, पहल शुरू किया गया, जिसका नाम है #StayHomeIndiaWithBooks। #StayHomeIndiaWithBooks जो कैंपेन है, पहल है, इसकी शुरुआत भी की गई है नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर दो है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री महमूद जिब्रील का निधन हुआ है? तो जो महमूद जिब्रील हैं ये लीबिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका हाल ही में कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है। तो आपको याद रखना है महमूद जिब्रील जो कि लीबिया देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे, इनका हाल ही में निधन हो गया है। लीबिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है त्रिपोली, लीबिया की मुद्रा है लीबिया दिनार। लीबिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं फैज अल सरराज लीबिया देश के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा अमेरिका देश के प्रसिद्ध एक्टर फॉरेस्ट कॉम्प्टन का भी कोरोना वायरस की वजह से निधन हो गया है।
मलयालम भाषा के प्रख्यात संगीतकार एम के अर्जुनन का भी निधन हो गया है। एम के अर्जुनन को उनके सदाबहार गानों की धुन के लिए अर्जुन मास्टर के नाम से जाना जाता था। मलयालम भाषा जो कि केरल राज्य में बोली जाती है, केरल राज्य की ऑफिशियल भाषा है मलयालम। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का मनाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ डे जो है ये हर साल मनाया जाता है 7 अप्रैल को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 7 अप्रैल को पूरी दुनिया में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। जो इस साल का विश्व स्वास्थ्य दिवस था, वर्ल्ड हेल्थ डे था, इसका थीम था, विषय था सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ। सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ 2020 के विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम थी। अब यहाँ पर मैंने 2 शब्द लिखा, इन दोनों के बारे में हम जान लेते हैं। पहला है नर्स, दूसरा है मिडवाइफ। इन दोनों में क्या अंतर होता है जान लेते हैं। मिडवाइफ उसको कहते हैं जो माँ की जो डिलीवरी होती है उसके दौरान माँ तथा बच्चे की सहायता करती है, यानी कि जो प्रसव में सहायता देने वाली दाई होती है उसको बोलते हैं मिडवाइफ, और जो नर्स की सहायिका होती है, रोगियों की देखभाल करती है, उसको हम बोलते हैं नर्स। ये है बेसिक फ़र्क नर्स और मिडवाइफ में। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2020 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ भी घोषित किया है। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है ये हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो क्वेश्चन अब ये है कि 7 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन की 7 अप्रैल 1948 में स्थापना हुई थी, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, विश्व स्वास्थ्य संगठन के वर्तमान में हेड हैं, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं टेड्रस अधानोम। टेड्रस अधानोम जो कि इथोपिया देश से हैं, इथोपिया देश जो कि अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नैसकॉम का नया चेयरपर्सन किसे बनाया गया है। तो हाल ही में नैसकॉम के नए चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है यूबी प्रवीण राय को। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं ये है यूबी प्रवीण रॉय, इन्हीं को नैसकॉम का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, जबकि नैसकॉम की उपाध्यक्ष के रूप में रेखा एम मेनन को नियुक्त किया गया है। अब हम जान लेते हैं कि नैसकॉम क्या है। तो नैसकॉम जो कि एक ट्रेड एसोसिएशन है, बिजनेस फोरम है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। भारत में जितनी भी आईटी से रिलेटेड कंपनियां हैं उनका एक ट्रेड फोरम है जिसका नाम है नैसकॉम। नैसकॉम का मुख्यालय है उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में, और नैसकॉम के ट्रेड एसोसिएशन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं देवजानी घोष। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में सरकार ने कामराज पोर्ट लिमिटेड में अपने कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को बेच दिया है या विनिवेश कर दिया है। तो हाल ही में भारत सरकार ने कामराज पोर्ट लिमिटेड जो बंदरगाह था इसमें अपनी 66.67% की हिस्सेदारी को बेच दिया है। अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो हिस्सेदारी है किस बंदरगाह को बेच दी गई है। तो भारत सरकार ने जो भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह था जिसका नाम था कामराज पोर्ट लिमिटेड, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कोरोमंडल तट पर स्थित है, इसमें भारत सरकार ने 66.67% की हिस्सेदारी को 2,383 करोड़ में चेन्नई बंदरगाह को बेच दिया है। तो ये 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। भारत सरकार ने कामराज पोर्ट लिमिटेड नाम का जो बंदरगाह था तमिलनाडु राज्य में, इसमें अपनी हिस्सेदारी को 66.67% बेच दिया है 2,383 करोड़ रुपये में चेन्नई बंदरगाह को। अब आपको कुछ बंदरगाहों के नाम याद रखने हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन एक ही पूछा जाता है कि दिया हुआ जो बंदरगाह है, दिया हुआ जो पोर्ट है, किस राज्य में स्थित है। तो ये हैं भारत के कुछ बंदरगाह जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है, हल्दिया बंदरगाह वेस्ट बंगाल में है, एननोर जो बंदरगाह तमिलनाडु में है, तुटीकोरिन नाम का जो बंदरगाह ये भी तमिलनाडु राज्य में, मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक में है, मरमुगा बंदरगाह गोवा में है, नेहवा सेवा जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से जानते हैं मुंबई महाराष्ट्र में है, कांडला बंदरगाह जिसका नाम बदल दिया गया पिछले साल दीनदयाल बंदरगाह हो गया ये गुजरात राज्य में स्थित है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जिसका पहले नाम था कोलकाता बंदरगाह इसका इस साल नाम बदल दिया गया है, जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। बंदरगाह किसे कहते हैं? जिस प्रकार से बसों को ठहरने के लिए जो स्थान होता है बस स्टेशन कहते हैं, रेलवे के जो ठहरने का स्टेशन होता है उसको रेलवे स्टेशन बोलते हैं, हवाई
जहाज़ों के जो ठहरने का स्थान होता है उसको हवाई अड्डा बोलते हैं, उसी प्रकार से जो पानी के जहाज के ठहरने का स्थान होता है, एक जगह जो स्टेशन होता है उसको हम बोलते हैं बंदरगाह या फिर पोर्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, नासा ने किस वर्ष तक चांद पर मानवीय बेस कैंप स्थापित करने की योजना का ऐलान किया है? तो नासा ने हाल ही में डिक्लेयर किया है कि वर्ष 2024 तक नासा चांद पर मानव बस्ती बनाएगा। वर्ष 2024 तक नासा चांद पर, मून पर मानव बस्ती स्थापित करेगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको याद रखना है, इन मानव बस्तियों को बनाने में जो सामान लगेगा, जो पृथ्वी से ले जाया जाएगा, तो धरती से चांद पर जो सामान ले जाया जाएगा मानव बस्तियों को बनाने के लिए, इसके लिए नासा ने स्पेस एक्स कंपनी के साथ समझौता किया है। जो स्पेस एक्स नाम की कंपनी है, ये धरती से चांद पर ये जो सामान लगेगा इसको बनाने में उसको पहुँचाएगा। इसके अलावा हाल ही में सनराइज मिशन लॉन्च किया गया है, जिसका पूरा नाम है सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट नासा के द्वारा, जिसका उद्देश्य है जो हमारा सौर मंडल है इसमें जो तूफान आते हैं उनको अध्ययन करने के लिए। नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मुख्यालय अमेरिका के वाशिंगटन DC शहर में, जो कि अमेरिका की राजधानी भी है। इसी प्रकार से जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है, जिसका पूरा नाम है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रॉसकॉस्मॉस। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम है सुपारको, जिसका पूरा नाम है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना की गई थी विक्रम साराभाई के द्वारा 1969 में। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डॉक्टर के सिवान। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस ने $75 मिलियन का निवेश जुटाने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी की है? तो पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने $75 मिलियन का निवेश जुटाने के लिए जीका नाम की संस्था के साथ साझेदारी की है। जीका, जिसका पूरा नाम है जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसका मुख्यालय जापान के टोक्यो शहर में। जीका जो कि जापान गवर्नमेंट की, जापान सरकार की एक सरकारी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो जीका नाम की जो एजेंसी है, ये भारत के पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस में $75 मिलियन का निवेश करेगा, जिसका उद्देश्य होगा जो भारत के कम आय वाले लोग हैं उनको लोन देने के लिए, ऋण देने के लिए सस्ते दामों पर ऋण को मुहैया कराना। अब हम जान लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। जो पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस बैंक, जो कि पंजाब नेशनल बैंक की सहायक कंपनी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में, और PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड कंपनी के वर्तमान में MD प्रबंध निदेशक हैं संजय गुप्ता। अब हम जान लेते हैं कुछ क्वेश्चन पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक में हाल ही में 2 बैंकों का विलय हुआ है, कौन कौन सी? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हुआ है। इस विलय के बाद जो पंजाब नेशनल बैंक है, भारत की दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक बन गई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद। तो आपको याद रखना है, पंजाब नेशनल बैंक में 2 बैंकों के विलय होने के बाद PNB जो बैंक है भारत की, SBI के बाद दूसरी सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर की बैंक बन गई है। पंजाब नेशनल बैंक, जिसके वर्तमान में CEO हैं SS मल्लिकार्जुन राव, मुख्यालय है नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में डोपिंग के चलते किस देशों के वेट लिफ्टरों यानी कि भारोत्तोलन खिलाड़ियों पर टोक्यो ओलंपिक 2021 में बैन लगा दिया गया है? सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोपिंग किसे कहते हैं। अगर कोई खिलाड़ी प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करता है और वो जांच में पाया गया तो उसको खेल से बैन कर दिया जाता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग। तो हाल ही में मलेशिया देश के तथा थाईलैंड देश के जो भारोत्तोलन खिलाड़ी थे, इन पर डोपिंग के चलते अगले 2 साल के लिए बैन लगा दिया गया। साथ ही साथ टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में खेले जाएंगे, इनसे भी बैन लगा दिया गया है। यानी कि मलेशिया और थाईलैंड देश के जो भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं,
टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग नहीं ले पाएंगे। ये प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है? तो ये लगाया गया है इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा, जिसका मुख्यालय है हंगरी देश की राजधानी बुडापेस्ट में। जो ओलंपिक खेल थे 2020 में खेले जाने थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से पोस्टपोन हो गए हैं। अब 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में खेले जाएंगे। थाईलैंड, जो कि एशिया महाद्वीप के का देश है, जिसकी राजधानी है बैंकॉक। थाईलैंड की मुद्रा है थाई बाट। थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं प्रयात चान ओचा। मलेशिया देश भी एशिया महाद्वीप का देश है, जिसकी राजधानी है कोलालंपुर। मलेशिया देश की मुद्रा है मलेशियाई रिगिट। और हाल ही में मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं मोहिद्दीन यासीन मलेशिया देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में विदेश मंत्रालय मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के नए आधिकारिक प्रवक्ता ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता के रूप में अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। इससे पहले विदेश मंत्रालय के ऑफिशियल प्रवक्ता थे रवीश कुमार, जो कि अब रिटायर हो गए हैं। आप ये जो फोटो में देख रहे हैं, ये हैं विदेश मंत्रालय के नए स्पोक्स पर्सन नए प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं एस जयशंकर सुब्रमण्यम जयशंकर। विदेश सचिव हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में संशोधित दिशा निर्देशों के अनुसार जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासी बनने के लिए किसकी क्या सीमा होनी चाहिए? तो आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार एक नया डेमोसाइल निवास कानून पारित किया है, जिसमें डिफाइन किया गया है कि कौन सा व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक माना जाएगा और कौन सा व्यक्ति जम्मू कश्मीर का नागरिक माना नहीं जाएगा। तो इस नए डोमेसाइल नियम के अनुसार जो जम्मू कश्मीर में पिछले 15 वर्ष से रह रहा था, उसको जम्मू कश्मीर का ऑफिशियल नागरिक माना जाएगा। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, जो भारत सरकार के द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य के लिए नया डोमेसाइल निवास कानून पारित किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि पिछले 15 साल से अगर कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रह रहा है, तो जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई लड़का 7 साल तक पढ़ाई करता है, या फिर कक्षा 10 और 12वीं परीक्षा किसी भी स्थानीय संस्थान से जम्मू कश्मीर के कॉलेज से परीक्षा देता है, तो वह विद्यार्थी भी जम्मू कश्मीर का निवासी माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी केंद्र सरकार द्वारा जो नौकरियां दी जाती हैं, उन केंद्र सरकार की जो नौकरियां होती हैं, उस नौकरियों में कोई भी व्यक्ति घाटी में पिछले 10 वर्षों से कार्य कर रहा है, तो उसके अगर बच्चे वहीं पर पैदा हुए हैं, तो उसको भी जम्मू कश्मीर राज्य का ऑफिशियल निवासी माना जाएगा, स्थायी नागरिक माना जाएगा। तो आपको सीधा सीधा यहाँ से क्वेश्चन याद रखना है कि जो नया जम्मू कश्मीर राज्य के लिए डोमेसाइल निवास कानून बनाया गया है, इसमें किसी व्यक्ति को स्थायी नागरिक माना जाएगा अगर वह जम्मू कश्मीर राज्य में पिछले 15 वर्ष से रह रहा है। हाल ही में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के में भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले जज बने हैं रजनेश ओसवाल। जम्मू कश्मीर, जो कि भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि पहले राज्य था, जिसमें से लद्दाख राज्य को हटाकर इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जम्मू कश्मीर जो भारत का राज्य था पहले, अब ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ये ऑफिशियल कब लागू हुआ? तो जब जो जम्मू कश्मीर राज्य ये ऑफिशियल केंद्र शासित प्रदेश बना 31 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की दो राजधानियाँ हैं, समर की श्रीनगर और विंटर की जम्मू। जो श्रीनगर शहर है, झेलम नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर राज्य के वर्तमान में उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। जम्मू कश्मीर राज्य से आपको कुछ नेशनल पार्क याद रखना है, जैसे डाचिंगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क, सलीम अली नेशनल पार्क, जिसे हम सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ, तो उत्तर होगा जम्मू कश्मीर राज्य में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस राज्य में है, तो उत्तर होगा गोवा में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है, या फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर सलीम अली कौन थे। तो डॉक्टर सलीम अली, जिनके नाम पर ये नेशनल पार्क के नाम रखे गए हैं, भारत के एक महान पक्षी विज्ञानी थे, इन्हें बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है।
तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक इन द टाइम ऑफ कोविड 19 नामक जो रिपोर्ट है ये किस संस्था के द्वारा जारी की गई है। आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप इसी प्रकार से हमारे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जो अपडेट है आप तक पहुँचती रहे। सो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्ज़ाम फोरम।